विकासखंड शिक्षा अधिकारी सेगांव मोहनलाल वर्मा के सेवानिवृत्त होने पर आज बीईओ स्टाफ की ओर से उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां उनके विनम्र व्यवहार को कार्यशैली की सभी ने प्रशंसा कर उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। साथ ही बीईओ वर्मा ने अपने संपूर्ण कार्यकाल के विवरण देते हुए स्टाफ से निवेदन किया कि आप सभी अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी और निष्ठा से कर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सेवा देते हुए उनके सभी कार्य समय पर संपादित करें। सभी के प्रति आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। इस मौके पर मध्य प्रदेश राज्य अध्यापक संघ प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव और स्टाफ के शिक्षक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सामाजिक व धार्मिक संस्था राज ग्रुप की ओर से पत्रकार संजय जायसवाल और राकेश पटेल भी बीईओ श्री वर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर शुभकामनाएं दी। सैगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। कार्यकाल पूर्ण होने पर शिक्षक साथियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मेरा मानना है कि शासन की नौकरी में ये सेवानिवृत्त तो एक अंतिम कड़ी होती है और ये हर किसी के नसीब में होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्मा जी का कार्यकाल बढ़िया रहा और इनका व्यवहार मधुभाषी मिलनसार है और इन्होंने जहाँ तक मैं जब भी मैंने देखा जब भी इन्होंने लोगों से अच्छी बात शिक्षकों को अच्छी राय सलाह मशवरा दिया, मैं इनके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। पिता के रूप में पूजे गए मदर टेरेसा का नाम सबने सुना होगा। मदर टेरेसा के पास एक धोती, एक लोटा और एक बाल्टी के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जिस दिन वो मरी उस दिन 121 देश के राष्ट्राध्यक्ष उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर खड़े। व्यक्ति का कार्य बोलता है, उसके तड़प भड़क से कुछ नहीं होता। यदि आपका श्रेष्ठ कार्य है तो समाज में आप पूजे। राकेश भैया, आप सभी का अभी मैं पद पे हूँ, अब मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरी जो जैसा कि जगदीश भाई ने, मैं थोड़ा सा अपने आप को बहुत संभाल के रख रहा था, लेकिन जगदीश भाई ने जो थोड़े से जो अपना एक बोधन दिया उसमें थोड़ा सा मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि भावुकता एक बहुत बड़ी मेरे स्वभाव की एक विशेषता है। घर में भी मैं जब कभी कभी टीवी देखता हूँ तो ऐसे कोई प्रसंग आ जाते थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।